हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉप 10 क्लासेस के करंट बैच में, और मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और मैं आपको आज से गणित पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं हमें क्लास 7th का पाठ्यक्रम क्या है। पहले अगर जैसे हम लोगों को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हम लोगों को पढ़ना क्या है, हमारी बुक्स कौन सी होगी। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा बुक्स है क्लास 7th का गणित का, जो है हमारा राजकीय प्रकाशन है। कौन सा प्रकाशन है? राजकीय प्रकाशन है। कौन सा प्रकाशन का है? इन राजकीय प्रकाशन का, हमारा राजकीय प्रकाशन है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग जान लेते हैं हमें चैप्टर को कौन कौन से पढ़ना है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 हमारा जो है परिमेय संख्या है। क्या है डियर स्टूडेंट? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। परिमेय संख्याओं का अध्ययन हम लोग कक्षा 7 में करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जिसे हम लोग पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, और जो हमारा क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू हमारा क्या है? जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वह हमें क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है इसका अध्ययन हम जानेंगे। अभ्यास 1 में अध्ययन करेंगे हमारा परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है। और हमारा जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय हमारा घातांक है। क्या है डियर स्टूडेंट? घातांक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 2 की पावर 3, क्या पढ़ते हैं? 2 की पावर 3, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। तो 3 हमारा क्या है? घातांक है। 3 हमारा क्या है? घातांक है। और 2 हमारा क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। इन सब के बारे में हम लोग अध्याय 2 में अध्ययन करेंगे। और हमारा तीसरा अध्याय जो है सांख्यिकी है। क्या है प्यारे बच्चों? सांख्यिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स क्या होता है? इसमें हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं, जो हमारा तीसरा अध्याय है। और अध्याय 4 जो हमारा है रचनाएं। रचनाएं क्या होती हैं? आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा। जैसे हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। और क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट? कोण बनाते हैं। इनकी रचना कैसे करना है? क्या यह हमारा जो सीधी रेखा, ये सीधी दो, जब सीधी रेखाओं से हम लोग बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोण बनता है। और इसी में हम लोग एक रेखा को और जोड़ देते हैं तो हमें क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। यही हमें अध्याय 4 में रचनाएं के बारे में अध्ययन करना है। तो हमारा अध्याय 5 जो है त्रिभुज है। क्या है डियर स्टूडेंट? त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग अध्याय 5 में करेंगे। अध्याय 6 हमारा जो है रेखीय समीकरण है। क्या है डियर स्टूडेंट? रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण क्या होता है? जिस प्रकार हमारा ax प्लस बी, यह हमारा क्या है? रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण की सर्वसंख्या क्या होता है, इसका परिचय क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इनका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे। फिर अध्याय 7 हमारा है वाणिज्य गणित। क्या है डियर स्टूडेंट? वाणिज्य गणित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कमर्शियल मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर यही हमारा साधारण ब्याज, मूलधन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आदि में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग अध्ययन जानेंगे, इसका परिचय के बारे में, साधारण ब्याज क्या होता है इसको बारे में जानेंगे। फिर अगला अध्याय हमारा आता है अध्याय 8। अध्याय 8 क्या है डियर स्टूडेंट? व्यंजकों का गुणनफल। व्यंजकों का गुणनफल, इसके अंतर्गत हम व्यंजक जो होते हैं हमारा, व्यंजकों का परिचय जानेंगे,
व्यंजकों के प्रकार जानेंगे। इससे पहले हम लोग कक्षा 6 में जाने थे बीजी व्यंजक क्या होता है, बीजी व्यंजक में चर राशि क्या होती है, अचर राशियां क्या होती हैं। इसी में हमारा अगला अध्याय आता है अध्याय 9। अध्याय 9 क्या है डियर स्टूडेंट, बीजी व्यंजकों का गुणनखंड। इससे पहले वाले चैप्टर में अभ्यास अध्याय 8 में हम लोग जानेंगे बीजी व्यंजकों का गुणनफल क्या होता है, और अध्याय 9 में हम लोग जानेंगे बीजी व्यंजकों का गुणनखंड क्या होता है। जैसे गुणनफल हमारा होता है a गुणे a प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या है a माइनस बी, यह हमारा क्या है बीजी व्यंजक का गुणनफल है। क्या है डियर स्टूडेंट, बीजी व्यंजक का गुणनफल है। जबकि हमारा बीजी व्यंजकों का गुणनखंड क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह हमारा क्या हो गया बीजी व्यंजक का गुणनखंड हो गया। अध्याय हमारा 10 जो है चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे डियर स्टूडेंट, चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, चतुर्भुज का परिचय क्या होता है, हम डिटेल सिलेबस के अंदर अपने अध्याय में अध्ययन करेंगे। अध्याय हमारा 11 जो है वृत्त है। क्या है डियर स्टूडेंट, वृत्त है। वृत्त के संपूर्ण वृत्त के बारे में उसका परिचय क्या होता है, वृत्त क्या होता है, इनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। फिर अध्याय 12 हमारा है जो क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं क्षेत्रमिति। जैसे हमारा यह त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर का क्षेत्रफल कितना है। जैसे आप लोगों का खेत है, खेत का क्षेत्रफल कितना है। जैसे हमारा गिलास है, क्या है डियर स्टूडेंट, गिलास है, गिलास के अंदर कितना पानी आएगा। जैसे हमारा बेलन है, क्या है बेलन है, बेलन का व्यास क्या होगा, बेलन का वृत्त क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग किस में अध्ययन करेंगे, क्षेत्रमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय हमारा 13 जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं मानसिक अभ्यास। इसमें हम अपने दिमाग का खेल होता है, मानसिक अभ्यास में जो हमारा दिमागों का खेल होता है, जिस प्रकार हम लोग पहले पढ़ते हैं सांप सीढ़ियों का, पढ़ते हैं सांप सीढ़ियों का जो हमारा गेम होता है, खेल खेलते हैं, उसी प्रकार हमारा मानसिक अभ्यास में आपको अंक दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि जो हमारा मानसिक अभ्यास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सिलेबस है कक्षा 7 का सिलेबस, उसको हम आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीन शॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके मित्र होंगे, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से कोई भी डाउट होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए और अपने फोटो का स्क्रीनशॉट भेजकर आप अपने वीडियो का सॉल्यूशन वीडियो सहित पा सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो उसका टेक्स्ट मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।